राजधानी लखनऊ के कॉलविन तालुकदार कॉलेज में शनिवार को देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगभग 1450 करोड़ की 352 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व सीएम योगी आदित्यनाथ के अलावा उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, मोहनलालगंज सांसद कौशल किशोर, विधायक नीरज बोरा, विधायक योगेश शुक्ला, मेयर सविता भाटिया, पूर्व मंत्री मोहसिन रजा, पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह, एमएलसी मुकेश शर्मा समेत बीजेपी के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर सीएम योगी ने कहा कि साल 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी ने लखनऊ के विकास का जो सपना देखा था, आज वो साकार हो रहा है। लखनऊ का विकास अटल जी की देन है। अटल द्वारा किए गए कार्य आज लाइफलाइन के रूप में कार्य कर रहा है। सीएम योगी ने आगे कहा कि लखनऊ को स्मार्ट बनाने के लिए अब रक्षा मंत्री जी सौगात लेकर आए हैं। ग्रीन कॉरिडोर परियोजना का लोकार्पण होने से लखनऊ वालों को ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात मिलेगी। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस अवसर पर कहा कि यहां जो भी विकास कार्य हो रहा है उसका पूरा श्रेय योगी आदित्यनाथ को जाता है। आज 352 परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ है। इसकी स्वीकृति भले ही केंद्र सरकार से हुई हो, लेकिन सीएम योगी ने पूरी रुचि के साथ कार्य किया, तभी यह संभव हो सका है। भले ही सारी केंद्रीय परियोजनाएं स्वीकृत क्यों न हो जाए, जब तक राज्य का मुख्यमंत्री अपनी रुचि नहीं दिखाएगा, जब तक उस ओर ध्यान नहीं देगा, तब तक इतनी जल्दी परियोजनाओं का पूरा होना या किसी भी सूरत में संभव नहीं है। और बहुत ही तत्परता के साथ मुख्यमंत्री जी ने अपने इस दायित्व को यहां पर दिलाया। अभी आप सब कुछ दिन पहले होली के रंग में लगे हुए थे, और आज का जो मैं दृश्य अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं, मैं कह सकता हूं आज हमारा यह लखनऊ विकास के रंग में रंगा हुआ हमको दिखाई दे रहा। शायद आप लोगों को जानकारी इस बात की नहीं होगी कि आज का यह दिन हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश वासियों के लिए भी आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आज ही मुख्यमंत्री के रूप में अपना 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। और मैं कह सकता हूं आज तक इतने लंबे समय तक उत्तर प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा है, सारे रिकॉर्ड को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रखा। डॉक्टर संपूर्णानंद जी अब तक के सबसे लंबे समय तक रहने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उस रिकॉर्ड को किसी ने तोड़ा है, हमारे योगी जी ने उस रिकॉर्ड को तोड़ा। माननीय रक्षा मंत्री जी आपके बीच में आए हैं, लखनऊ वासियों के लिए आए हैं।
आपने देखा होगा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के एक दिन पहले आपने देखा होगा लखनऊ को 3-3 ब्रिजेज की सौगात मिली थी, विकास के लिए परियोजनाएं मिली थी और आज फिर 1,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात मिल रही है, जिसमें लखनऊ की यातायात की जुड़ी हुई सबसे बड़ी समस्या का समाधान का रास्ता भी लखनऊ विकास प्राधिकरण निकाल रहा है और एक ग्रीन कॉरिडोर परियोजना 7,570 करोड़ रुपए की परियोजना है, जिसके पहले फेज के कार्य का शिलान्यास का कार्यक्रम आज यहाँ पर अभी कुछ ही देर पहले माननीय रक्षा मंत्री जी के कर कमलों से आज यहाँ पर अभी उसका शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ है।